जून मास से जुड़ी ज्योतिष भविष्यवाणियां। अब की बार स्वास्थ्य देगा कितना साथ, 30 दिन बीतेंगे कितने शानदार, कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे, काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की, कमाई के टूटेंगे कितने रिकॉर्ड, किस्मत के बल पर क्या कुछ हासिल करेंगे, 1 जून से 30 जून तक का समय कैसा रहेगा, क्या कहता है जून मासिक राशिफल 2024? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान की खास पेशकश में आपका मासिक राशिफल 2024 में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेंग शिमा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपको बताएंगे कि मकर राशि मकर लगन वाले लोगों के लिए ये जो महीना है यानी कि जून का जो महीना है ये कैसा रहेगा। आपको बता दूं कि एक तो इस महीने की शुरुआत ग्रहण योग में हो रही है, फिर उसके बाद तुरंत मंगल का महाराशि परिवर्तन भी है, और ऐसी ग्रह स्थिति में जो समय है वो आपका कितना साथ देगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है, क्या कुछ है हासिल करने के लिए, कहाँ आपको लाभ भी हो सकता है, कहाँ हानि भी हो सकती है, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जी से जानेंगे कि ग्रह चाल क्या कहती है आपकी, बताएं। देखिए, बिल्कुल मकर राशि वालों, ग्रह की स्थिति स्पष्ट है कि आपके लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में शनि आपका गोचर है। 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है जी। जो 29 मार्च 2025 तक चलेगा आपका, उसके बाद 7.5 समाप्त होगी। तीसरे भाव में राहु चंद्रमा की युति है। चतुर्थ भाव में आपके मंगल है। पंचम भाव में गुरु शुक्र बुध और सूर्य विराजमान है, और उसके बाद नवम भाव में केतु और बाकी सारे भाव खाली है। तो देखिए, अब कमाल देखिए ग्रहों का कि आपके धन भाव से लेके और विद्या बुद्धि संतान के भाव तक सभी भावों में ग्रह बैठे हैं, और बाकी ये 4 भाव आपके बिल्कुल एकदम से खाली हैं, 7, 8, 9, 10। अब बहुत से लोग कभी तरी सवाल करते हैं कि सर इतने भाव तो खाली दिखा दिए आपने, तो मिलेगा क्या हमको? भाई लगन का स्वामी वो भी खाली है, दशम भाव में कार्य व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा जी, या वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या कोई ग्रह नहीं है। तो देखिए, ये भ्रांति मन से निकाल दीजिए कि आपकी कुंडली में अगर कोई भाव खाली है उस भाव का फल नहीं मिलेगा। गोचर वश जिस भाव का स्वामी खाली है, इसका स्वामी यानी कि चंद्रमा अगर खाली है, यहाँ पर बिल्कुल रिक्त स्थान है, तो चंद्रमा बैठे कहाँ हैं कुंडली में, इनका फल यहाँ से मिलेगा जी। और ऐसी लाभ के स्वामी कहाँ बैठे हैं, मंगल केंद्र में, इनका फल यहाँ के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि कितना पैसा आपको मिलेगा। और उसके बाद शनि तो खैर लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। पंचम भाव में जमावड़ा है ग्रहों का, ये क्या लाभ देगा, ये क्या बड़ा लाभ आपको दे सकता है, ये भी आज हम आपको बताएंगे, और क्या फायदे मिलेंगे इसकी भी जानकारी देंगे। चलिए, तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी सेहत इस महीने कैसी रहेगी, बताएं। देखिए, सेहत के लिहाज से बात करें तो इस महीने आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि माह के अंत में 29 जून को शनिदेव जो है वो वक्री हो चलेंगे, वहां से थोड़ी सावधानी रखनी होगी, लेकिन संपूर्ण ये मास में आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर आपकी हेल्थ जो अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर मंगल की स्थिति बलवान है, छठे भाव का स्वामी बुध बलवान है, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत हेल्थ इश्यू की नहीं रहेगी। चलिए, आपने हेल्थ के बारे में बताया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है ये जो महीना है कितना खास रहने वाला है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसा, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो ये महीना शिक्षा परीक्षा में गुरु अब यहाँ बैठ गए हैं, बुध भी हैं, बहुत अच्छा है। छात्रों को मन मुताबिक लाभ मिलेगा, शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी, और इसके साथ साथ जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी ये समय कविता जी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से एजुकेशन के लिए मेरे ख्याल में ये समय इनका बढ़िया रहता हुआ नज़र आ रहा है। मेहनत करें तो अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी और जल्दी मिलेगी। चल, तो अब तक हमने देखा मैंग जी से आपकी हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की, और अब बारी आती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की। जी हाँ,
पर्सनली आने वाला जो समय है आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन क्या कहता है, और हमेशा की तरह क्या ये महीना भी आपके रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत नई खुशियां लेकर आ रहा है। देखिए अगर बात करें रिश्तों की तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, शुक्र बुध की युति पंचम भाव में गुरु भी है, लव लाइफ आपकी बहुत शानदार रहेगी। मांगलिक दोष हालांकि बंदा है और मंगल की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं जी, तो अपने गृहस्थ जीवन में मैरिड लाइफ में कोई भी गलत फहमी पैदा ना होने दे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जितने संबंध आपके मधुर रहेंगे उतनी ही चीजें आपके लाइफ में बढ़िया होती चली जाएंगी। यहाँ ये थोड़ा सा कमजोर पहलू सिर्फ मैरिड लाइफ में है, ये चीज आपने ध्यान दी तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। बिल्कुल, प्रोफेशनली मयंक जी कितना अच्छा ये लोग कर पाएंगे, नौकरी में है या अपना खुद का बिजनेस है, वहाँ इनकी किस तरह की प्रोग्रेस आपको अभी से नजर आ रही है इन स्टार्स को देखते हुए? देखिए अगर प्रोफेशनली बात करें तो काफी अच्छा करेंगे, नौकरी हो या बिजनेस हो काफी अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहे हैं इनके स्टार्स, और चतुर्ग्रह योग जो है यहाँ बड़ी अच्छी सफलता आपको दिला रहे हैं जी। तो काम कारोबार में नौकरी में बिजनेस में आपको इस महीने अच्छा लाभ मिलेगा, काफी प्रोग्रेस कर पाएंगे, जो करना चाहते हैं वो आप इस महीने हासिल कर सकते हैं जी। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से अच्छा समय है नौकरी के लिए बिजनेस के लिए नई शुरुआत के लिए भी। अभी अगर कुंडली में ग्रह गोचर सही है, आपकी दशा अंतरदशा सही है तो नई शुरुआत भी कर सकते हैं, अन्यथा तो शनि फिर वक्री हो रहे हैं अभी अंत में, तो वहाँ थोड़ा सा फिर संभल के चलना पड़ेगा। अगर जॉब स्विच करना है इनके माइंड में चल रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये अच्छा मौका है, इस समय आपको नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, व्यापार में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जॉब स्विच करनी है तो ये एक अच्छा समय रहेगा। चलिए तो देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपकी बार आपकी जून में कैसी रहेगी ये भी जान लिया, और अब बात आती है फाइनेंशियली ये महीना आपको क्या कुछ देकर जाएगा, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग करके जाएगा, यानी कि धन लाभ के कितने प्रबल योग है? देखिए धन लाभ जो है चार घरों की जो दृष्टि पड़ रही है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है तो धन लाभ अच्छा है। शनि यहाँ भी धन लाभ देंगे जब तक मार्गी हैं तो 29 जून तक तो अच्छा है, और कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति आपकी बढ़िया है, राहु भी अच्छा लाभ दे रहे हैं तो धन लाभ के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा। जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा चतुर्ग्रह योग के चलते। और ऐसे में भाग्य प्रतिशत कविता जी काफी अच्छा है, इस महीने 90% है इनका। मैं जी सलाह के तौर पर क्या बताएंगे? देखिए सलाह के तौर पर इस पूरे महीने की सलाह ये है कि आप थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ही मन मुटाव से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग दौड़ बहुत रहेगी इस समय लाइफ में, दिनचर्या मतलब कि आपकी बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगी तो ये अभी आपकी निरंतर बनी रहेगी इस समय पे, तो इसलिए थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब आदमी भाग दौड़ बहुत करता है कविता जी, या लोग दिन रात नौकरी कर रहे हैं बिजनेस संभाल रहे हैं 12-12 घंटे बिजनेस में काम करना पड़ता है जी, तो वहाँ हेल्थ हमारी इफेक्ट करती है, स्ट्रेस बढ़ता है और खान पान पे हमारा ध्यान जो है हट जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक छोटा सा सरल सा उपाय के तौर पे आपके लिए बेस्ट ही है हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनि इसी महीने वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।